क्यों, क्या हुआ सोबी आंटी? भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जब एजाज हॉस्पिटल में एडमिट थे तब तो इसने आकर वहाँ पर पूछा नहीं, और अब इतना बड़ा बैग उठाकर यहाँ पहुँच गई है चापलूसी करने के लिए, ये क्या तरीका हुआ? क्या मतलब नरगिस आंटी अब वहाँ रहेंगी? कहाँ, वो तो मजलूमियत का ऐसा पोस्टर बनी रहती है, उनसे कोई क्या पूछेगा, लेकिन इतना बड़ा बैग देखकर तो मुझे यही लगा। क्यों, हुस्ना आपा ने क्या उनको भेजा यहाँ पे? वो एक्चुअली क्या है ना कि शांजी से उनकी थोड़ी बहस हो गई थी, इसीलिए वकार अंकल ने उनको घर भेज दिया। अच्छा, क्या कोई झगड़ा बगड़ा हुआ क्या? नहीं, नरगिस आंटी का किसी से झगड़ा नहीं हुआ, आप तो जानती हैं वो क्यों लड़ेंगी किसी से भी, एक्चुअली शांजी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो इसीलिए कल कुछ लोग आए थे शांजी को देखने के लिए, तो नरगिस आंटी ने मम्मा का बनवाया हुआ सेट पहन लिया था। वो एक्चुअली उन्होंने शांजी के लिए बनवाया था। वो गुस्सा हो गई और उनके गले से हार नोच लिया। वैसे तो घर का माहौल भी काफी टेंस है, तो वकार अंकल को लगा कि फिलहाल के लिए नरगिस आंटी को घर चले जाना चाहिए। अब जाहिर है वो अपनी इंसल्ट कैसे बताएंगी, जो कुछ भी हुआ वो इतना बुरा हुआ, सभी अपसेट हैं। अच्छा, तो ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, गलती तो शांजे की है ना, उसने मिसबिहेव किया, बजाय इसके कि उसको कहते कि उसको अपोलोजाइज करे, सॉरी करे, उल्टा उसी यहाँ भेज दिया नरगिस को, ये तो बहुत बुरी बात है। ये पता नहीं कहाँ की तहजीब हुई और तमीज हुई। तुम तो घर की बहू हो, तुम्हें समझाना चाहिए ना, बोलना चाहिए कि भाई उसे आकर लेकर जाएं यहाँ पर, अगर वो ऐसे रहेगी तो ऐसे तो शांजी के बिहेवियर को और तकलीफ मिलेगी, वो तो नहीं मानेगी उसको अपनी माँ की जगह। आप फिक्र ना करें सोबी आंटी, मैं घर बात करूंगी आज, वकार अंकल से कहेंगे कि वो खुद जाके नरगिस आंटी को अपने साथ वापस ले आए। तुम बोलना जरूर। जी आप फिक्र नहीं करें आंटी, मैं करती हूँ, कुछ करती हूँ बात। अल्लाह हाफिज। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।